हाय गाइस, होप यू सारे अच्छे होंगे। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ V11 एब्सोल्यूट प्रो का, जो है डायसन का वैक्यूम क्लीनर। एंड ये मैं 1.5 ईयर के आसपास से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे यूज़ करते हुए इसको। तो आज मैं अच्छे से आप लोगों को बता पाऊंगी कि आपको ये परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड इतना महंगा वैक्यूम क्लीनर लेने का फ़ायदा क्या है। और मैंने इससे पहले भी मतलब एक रीजनेबल भी लिया था, बट वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड आप अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। फर्स्ट आपको ये मशीन मिलेगी, ये कुछ इस लुक में है। एंड सेकंड जो आपको मिलता है, एक ब्रश मिलेगा, ये वाला, ये कुछ इस टाइप से है, देखिए आप। एंड इसके बाद फिर एक ये मिलेगा, ये है, एक ये ब्रश है, एंड एक ये वाला है, और एक ये ब्रश मिल, साथ में आपको ये टकिंग वाले ही मिलेंगे। ये दोनों ना एक जगह लगते हैं ऐसे होके, जब आप वॉल पे इसको लगवाओगे ना, ये इस मशीन को, तो यहाँ पे मशीन एडजस्ट होती है और चार्जिंग के लिए होता है ये। एंड इसको यहाँ पर रख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है आपका काम। और ये है इसके साथ चार्जर, एंड एक आपको मिलता है ये। तो आप ये जितने भी एक्स्ट्रा ये मतलब देख रहे हैं ना, ये सब इसमें एडजस्ट होगा सारा, मतलब इसके साथ आपको यहाँ पे ये लगाना है, इसके बाद ये सब कुछ कनेक्ट करना है इसके साथ, जो भी आपको यूज़ करना है इसमें। एक और चीज़ मिलती है, मैंने साइड में आपको फ़ोटो लगा दिया है, वो अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा पार्ट लगाना है ना, तो उसमें लगा सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसके हर एक पार्ट्स की, अटैचमेंट की और मशीन की डिटेल में। तो सबसे पहले आपको मिलती है ये मशीन, इसमें ही सारे अटैचमेंट अटैच होंगे, एंड कुछ इस टाइप के लुक में, बहुत ही अच्छे सा कलर, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, लुक वाइज बहुत सुंदर लगती है। एंड इसका ये है विन, जहाँ पे आप डस्ट कलेक्ट होता है, तो इसका जो साइज़ है वो है 0.77, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, मतलब काफ़ी कैपेसिटी है इसमें। 2 BHK फ्लैट एक बार आप क्लीन करते हो तो एक बार ही आपका ये भरता है विन, बट अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आप 2 बार हो जाता है इसको। एंड फिर भी मतलब ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हाँ कम स्पेस दिया हो, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड इसका जो डस्ट है वो निकालना है बहुत ज़्यादा, इस वाले उसको प्रेस करेंगे आप ऐसे करके, एंड ये डस्ट निकल जाएगा, इसके बाद ऐसे करके ऐसे इसको बंद कर लेंगे, और यहाँ से ये ऑन ऑफ करने का, इसको छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसको तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही हैंडी है। इसके अगर मैं बजट की बात करती हूँ तो 2.5 से लेकर 3 kg का है, बट बहुत ही हैंडी है, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करना। एंड यहाँ से इसको आप ये भी ना, इसमें गंद बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो आपको इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, इसको आप पानी से वॉश कर सकते हैं एंड सुखा कर फिर से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब भी पर डे इसको यूज़ करें, तो हल्का सा इसको ना फ्लोर पर हल्का सा ऐसे मार दें, ताकि हल्का फुल्का डस्ट निकल जाए, यूज़ कीजिए इसको। यहाँ पे आपको सारे मूड दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मिलता है, सबसे पहले जो मूड मिलता है वो इको मिलता है, उसके बाद आपको जो मिलता है वो मीडियम मिलता है, फिर मिलता है आपको बूस्ट। तो अगर आप इको पे चलाते हैं तो अराउंड 60 मिनट की टाइमिंग आपको मिलती है, एंड उसके बाद आप चलाइए मीडियम पे, तो तब भी इतनी ही टाइमिंग मिल जाती है, मतलब ऐसा नहीं बहुत कम मिलती है, बहुत अच्छी टाइमिंग 60 मिनट के आसपास की ही टाइमिंग होती है। इको में उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 5-10 मिनट का मुझे लगा आज तक, मतलब क्योंकि मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा। एंड बूस्ट में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब 10 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको इस बिन को पूरा निकालना है तो आप इसको करेंगे, और यहाँ पे जो ये जब आप ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखिए, इसको आप ऐसे करेंगे, प्रेस कीजिए और ये निकल जाता है। फिर इसको वापस, इसको क्लीन करने के लिए एंड इसको वापस करना है, तो आप ऐसे करेंगे, ये बहुत ईजी है। एंड इसकी जो मतलब क्या होना चाहिए, फुल की बैटरी ये है, एंड इस बैटरी को भी निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ से आप प्रेस करेंगे एंड ये बैटरी निकल जाती है, और इसको बाद में ऐसे कर दीजिए। ये आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, यहाँ पे आप जो चार्ज है वो कनेक्ट करेंगे और चार्ज कर लेंगे। मैंने आपको इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल बता दी है, एंड अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट की, उनका क्या क्या यूज़ है और कितना यूज़ होता है घर में या कितना नहीं होता है किस पार्ट का। और तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले इसके जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है इसका अटैचमेंट ये वाला। ये आपको फ्लोर के लिए है, ये आपके चाहे वुडन की फ्लोरिंग है, टाइल्स फ्लोरिंग है, उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा गंदा नहीं है ना, तो इतना बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, और आपको पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, कई बार ऐसे होता है, क्योंकि इसकी जो आप देख रहे हैं, ये देखो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ दिया हुआ है। एंड इसको भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ कि इसको, इन सारे पार्ट्स को, मशीन को क्लीन कैसे करना होता है। एंड ये देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से, मतलब अभी तक मुझे ना कोई ऐसा इशू आया नहीं है इसमें,
आप ये सोचोगे यार अगर 1.5 साल से आप यूज करो तो नई मशीन कैसे है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। एंड कोई भी अटैचमेंट अगर आपको ज्यादा लेंथ रखनी है तो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा ही क्लीन करना है तो हम सिर्फ इस वाले अटैचमेंट को इस पे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे अटैच कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। बट जब आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है ज्यादा तो आप सबसे पहले इस वाले अटैचमेंट को लगाएंगे, इसका मेन अटैचमेंट यही है, एंड इसको प्रेस करके फिर इस पे कोई भी अटैचमेंट लगाएंगे क्योंकि आपको ना काफी अच्छी लेंथ मिल जाती है क्लीन करने के लिए एंड बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। इसके इस आप कोई भी अटैचमेंट यूज करेंगे तो तीनों के तीनों मूड उसमें काम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सब उसके बाद जो यूज होता है वो है ये, जिसके घर में पेट्स हैं उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है क्योंकि इससे ना सारा आपका कारपेट वगैरह पे जो जितने भी बाल वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। एंड अगर पेट्स भी नहीं है तो तब भी आपको कारपेट वगैरह क्लियर चाहिए तो ये मेनली कारपेट के लिए होता है, कारपेट हुआ उसके अलावा जो डोर मैट वगैरह ये सब उनके लिए काम करता है। एंड ये भी बहुत अच्छे से जो पहले दिया हुआ था ना वो थोड़ा सा चेंज था, बट ये इस बार जो भी 2024 का है वो थोड़ा उससे चेंज है। एंड इसको भी आपको क्लीन करना होता है टाइम के बाद क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो डस्ट बहुत इकट्ठी हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फिर मशीन ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कभी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे ना आपको ये जो ये वाली है जो स्क्रीन है इसकी, इस पर आपको ना शो कि अगर आपको फिल्टर क्लीन करना है तो फिल्टर के लिए क्लीन मतलब शो करना शुरू कर देगा, एंड अगर इसमें डस्ट है तो शो करना शुरू कर देगा। ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ना कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे यूज होता है वो है ये सोफा वगैरह का और मैट्रेस वगैरह, या बेडशीट क्लीन करनी है आपको बेड के ऊपर ही, या फिर पिलो वगैरह क्लीन करने हैं, कुशन वगैरह क्लीन करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है सोफे वगैरह, डाइनिंग चेयर वगैरह उनके लिए है ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस। एंड सेम है इसको, इसमें आपको बड़ा वाला पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे अटैच करेंगे एंड जहाँ जो भी आपको सोफा वगैरह करना है वो इसको अच्छे से क्लीन, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी तो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। एंड तीनों मूड इसमें भी चलते हैं, एंड इस वाले को प्रेस करोगे और इसको आप निकाल लोगे तो ये बहुत ही, इसको भी क्लीन करना होता है, मतलब इसके सारे ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करने पड़ते हैं, प्लस मशीन भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन करनी पड़ती है। इसके बाद जो इसके और अटैचमेंट है मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। एक ये अटैचमेंट है, इसका जो काम है मेन ये नोजल वाला है, जितने भी आपके जो स्लाइड वाले गेट होते हैं उनकी जो नीचे वाली पार्ट्स होता है ना उसको क्लीन करना, कॉर्नर क्लीन करना, बालकनी के जो स्लाइड वाली होती है उनको क्लीन करना, इस टाइप के सारे चीज़ों को ही क्लीन करता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। या फिर जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाया कॉर्नर वगैरह में, और उसके अलावा सोफे के जो चारों तरफ के होते हैं ना मेन गद्दी होती है वो, और चेयर वगैरह उसके वो सब क्लीन करते हैं इससे, तो इसका भी काफ़ी काम है। एंड इसके बाद एक की जैसे आपको अगर इसको आप घटाओ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। इसका मेन जो पार्ट मतलब मेन जो पार्ट नहीं मेन जो काम है वो है आपको, जैसे आपको मान लीजिए आपका लैपटॉप है या फिर आपको कोई ऐसी टीवी क्लीन करना है या कुछ वैसे जो की वाले होते हैं ना जो की बटन वगैरह होते हैं उनको काम उनको क्लीन करना, उसके लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड इसको आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसको पीछे कर सकते हैं, ये डस्ट वगैरह कलेक्ट करने के लिए होता है। एंड इसका काम पर्दे वगैरह सब क्लीन करना, इसका भी काम होता है। तो ये सारे अटैचमेंट है जो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं, दो अटैचमेंट जो लास्ट के ना उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके बाद जो आपको ये मैंने बताई दिया जो बड़े अटैचमेंट उनके साथ ये यूज़ होता है, और इसके बाद आपको मिलता है इसके बाद जो आपको मिलता है ये मेनली स्टेशन है जहाँ पे आप चार्जिंग करेंगे वॉल पे लगाने के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने पिन वगैरह दी हुई है, मतलब इसके जो स्क्रू वगैरह है, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके हो जाएगा अटैचमेंट। मैंने अभी लगाया हुआ नहीं, यहाँ से ऐसे हुआ ये, और ये ऐसे वॉल पे अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये मशीन है ना, ये वाली मशीन है, ये इसको ऐसे करके ये मशीन लगती है चार्जिंग पे, और यहाँ पे आप चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए है ये। और आपको अगर चार्ज भी नहीं करना तो स्विच ऑफ कर दीजिएगा और ये ऐसे ही लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है कि आपको। इसके अलावा जो ये दो है इसमें आपको जैसे मान लीजिए आपको ये लगाना है तो पता नहीं आज क्या हो रहा है सॉरी, तो मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट लगा रहा तो आप ये वाला पार्ट दो और एक्स्ट्रा मिलते हैं ना आपको, तो ये लगा के वॉल पे आप तीन चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, मशीन प्लस एक ये, साथ में आप इसके नीचे ही ये लगा दीजिएगा तो, और एक आप साइड में ये, क्योंकि एक साथ ना दो बड़ी मशीनें मतलब अटैचमेंट नहीं लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपने ये लगा तो ये ऐसे नहीं लगेंगे, तो आपको इसके साथ कनेक्ट करके ही लगाना पड़ेगा, मतलब इसके साथ अटैच करके लगाना पड़ेगा। और साइड में ये लगा सकते हैं ये वाला अटैचमेंट, या साइड में आप ये वाला अटैचमेंट लगा सकते हैं ऐसे करके। अब मैं बात करती हूँ इसके प्राइसिंग की, और हाँ इसके साथ चार्जर मिलता है, चार्जर मैं बताना भूल गई मेनली, इसके साथ जिससे आप चार्ज करेंगे।
ये इसका चार्जर है। एंड अब मैं बात करती हूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो प्राइस है वो है 56,900 रुपीज, बट आफ्टर डिस्काउंट आपको अगर आप इनकी खुद की वेबसाइट से लेंगे तो 45,000 समथिंग का मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ वेबसाइट अमेजोन वगैरह पे आपको 43,900 कुछ का मिल जाएगा, तो अराउंड 44 से लेके 45-46 के बीच में आपको अच्छी डील मिल जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि नया कैसे है और इसमें क्या क्या आपको और बेनिफिट मिलता है। आपको आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। 2 ईयर्स में आपको कुछ भी खराब होगा ना तो वो आपको सही करके नहीं देंगे, आप कंप्लेन कर दीजिएगा कंपनी को और कंपनी डायरेक्ट आपको पूरा पूरा सामान रिप्लेस करके दे देगा। ये सबसे अच्छी बात है कि सही करके नहीं देगी, न्यू सामान आपको भिजवा देगी, ये बहुत अच्छी चीज है। प्लस 10 डेज के लिए आपको यूज करने के लिए मिल जाता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई ऑर्डर किया है, सपोज आपने वैक्यूम क्लीनर V11 ही किया है और आपको वो समझ में नहीं आया, जैसे मेरे साथ क्या होता, मैंने पहले किया था V8 बट उसकी टाइमिंग बहुत, जैसे इसकी 60 मिनट की टाइमिंग है, उसकी जो है 40 मिनट की टाइमिंग है, 40 मिनट 25 ही चलता था, तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं उसकी, क्योंकि ये वायरलेस है तो इसमें आपको कोई भी वायर वगैरह यूज नहीं करनी होती, आप डायरेक्ट इस वाली मशीन को ऐसे यूज कर सकते हैं मतलब, और कोई भी वायर वगैरह अटैच नहीं करना होता है, बस चार्जिंग के टाइम पे इसको अटैच करना होता है। चार्जिंग के टाइम पे आप इसको यूज भी नहीं कर सकते वरना खराब हो जाएगी मशीन। तो मैंने पहले भी ये किया था बट मुझे वो समझ में नहीं आया तो मैंने रिप्लेस कर दिया था। और गाइस सीरियसली मेरा पूरा अमाउंट मतलब रिप्लेस नहीं, मैंने रिटर्न ही कर दिया था और मेरा पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया था। हाँ प्रोसेस का टाइम लगता है, 5-7 दिन का टाइम तो ऑफ कोर्स लगता है, मेल वेल करनी होती है आपको और बिल वगैरह आपको जो वो जो फॉर्मेलिटी वो कंप्लीट करवाते वो सब करनी होती है आपको, बट पूरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। उसके बाद मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया था वेबसाइट से ही। एंड इसके अलावा एक चीज और क्या, मैं बताती स्टोरी क्या इसकी, नया कैसे है। ये मैंने लिया था 1.5 साल पहले, काफी मेरे घर में पेट हैं, 2 पेट तो मेरे घर में बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब इतना ज्यादा मेरे लिए थे, मतलब क्या बताऊं, मतलब यार सच में वरदान है एक तरह से मेरे लिए ये, क्योंकि बहुत अच्छा। इससे पहले मैंने लिया था 3 या 4 थाउजेंड लाइक, पर वो बहुत जल्दी खराब हो गया, बट ये 1.5 साल से यूज कर रही हूँ, कुछ भी खराब नहीं होता। क्या हुआ था कि मेरे घर में जैसे मेड है ना, तो मेड ना कभी आप खुद कोई भी चीज यूज कर रहे हो बहुत अच्छे से यूज करते हो, क्योंकि बहुत महंगी यार 45,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, आपने क्या अपनी कितनी मेहनत इसमें दी है। बट मेड के लिए तो ये एक मशीन है, इधर उधर घुमाए से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो 1.5 साल से वही यूज कर रही थी, प्रॉब्लम क्या थी, वो कहीं भी कुछ भी कर देती। तो फर्स्ट क्या हुआ था, ये टूट गया था, तब भी मुझे ये था ये, क्योंकि राउंड 360 है ना ये, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल रहा तब भी चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उन्होंने मशीनें दीवारों पे मारना शुरू किया, कभी कैसे बहुत बहुत रफ टफ तरीके से वो यूज कर रही थी, तो वो खराब हो गई थी, मतलब वो ना जैसे ये जैसे मैं यूज कर रही हुई तो मैंने जैसे चला बहुत देर से बंद हो गया, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत देर तक ना इसमें सिर्फ हवा ही पास होती रहती थी, मतलब क्लीन करता ही नहीं था। तो ऐसे 3-4 महीने हो गए थे, मुझे लगा था यार नहीं हो सकता, चलो चेंज कर, मतलब चेंज का मुझे सच में आइडिया नहीं था, मुझे था कि चलो सामान इसका सही करके मुझे वापस कर देंगे, लेकिन नहीं। फिर फाइनली मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान, फाइनली मैंने कंप्लेन वगैरह डाली, तो ये मुझे विद इन 7-8 डेज में, पहले सबसे पहले वो लोग उन्होंने किसी को भेजा था यहाँ पर, उन्होंने सारा चेक किया कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने बोला और हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, आपको प्रॉपर उनको मतलब कंप्लेन डालनी होती है, वो आते हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो आप अपना जो भी उन्होंने रिपोर्ट बनाई है वो भेजते हैं डायसन को, उसके बाद आपके पास बंदा आता है सामान कलेक्ट करता है, फिर वो सारा सामान लेकर जाता है, फिर वो आपको नया वाला वैक्यूम क्लीनर देते हैं। मुझे वैक्यूम क्लीनर का आइडिया और सबका आइडिया नहीं, शायद सभी में यही होता होगा, क्योंकि जो मैंने जो एग्जीक्यूटिव आया था उनसे बात की थी, तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों करते हैं, मतलब सही क्यों, तो उन्होंने बोला कि नहीं कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और फिर वो इतना ज्यादा क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी, तो वो इतना झंझट में नहीं, वो मतलब कस्टमर खराब नहीं करना चाहती अपना, तो इसलिए वो नया सामान देती। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मतलब इतना ज्यादा, मैंने कहा ओह माय गॉड नया वैक्यूम क्लीनर आता है, बस मुझे नया वैक्यूम क्लीनर मिल गया। तो ये फायदा तो होता है यार, डायसन की सर्विसेज नो डाउट बहुत ज्यादा अमेजिंग सर्विस है। तो अगर आप एक अच्छा वैक्यूम, वैसे इनके और भी बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, मतलब V12 है, V14 भी है, V15 भी है, तो बहुत सारे, कोई भी आप ले सकते हो जो आपके बजट में। मैंने ही लिया था तो उससे जो अप वर्जन था वो V12 ही था, तब तक और लॉन्च नहीं हुए थे, तो मैंने V11 ही लिया था, क्योंकि V12 बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, हमें V11 इनफ था। बट अब जो पहले वाले में और अब में थोड़े चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो पहला वाला ये हेयर वाला था ना, तो ये थोड़ा चेंज है इस बार नया 2024 वाला, ये वाला ब्रश थोड़ा चेंज है, बट और भी अच्छी क्वालिटी, मीन्स कहने वाला बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ इन्होंने चेंजेस किए हैं इसमें। तो मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइस, सीरियसली अगर आप एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर चाहते हैं ना और आपको
अमाउंट का कोई टेंशन नहीं है, मतलब 45,000-43,000 तक आप पे कर सकते हो, आप डायसन में ही जाना, इसके अलावा किसी में मत जाना गाइस, क्योंकि डायसन की सर्विस बहुत अच्छी है, आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, प्लस आपको 10 डेज आप यूज करके भी वापस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है, और वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप वापस क्यों कर रहे हो। एंड गाइज होपफुली आपके लिए काफी मतलब यूजफुल वाली वीडियो रही हो, एंड अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वैसे बहुत बड़ी हो जाती है, एंड प्लस इसकी जो क्लीनिंग है, कैसे इसको क्लीन करते हैं, वो भी सब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैंने परचेज किया था और मुझे क्लीनिंग करनी थी, मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी थी, मुझे कोई भी अच्छी नहीं मिल पाई, फिर एक आई थिंक यूके या यूएसए की कोई वीडियो थी किसी बंदे ने डाली, तो वो जा कर देखी मैंने अच्छे से, एक एक चीज़ देखी, तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ इसको कैसे क्लीन करना है, तो लेकिन मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड मैंने जितना भी अभी आपको बताया ना, बस मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है, अगर आपसे 45,000 रुपीज ये ले रहे हैं ना, तो आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, प्लस अच्छा ब्रांड आपको मिल रहा है, एंड ये दरअसल एक इन्वेस्टमेंट है, 2 साल तक तो बहुत, देखो आप किसी, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, 3,000-4,000 की मशीन लेते हैं, वो 3-4,000 में तो एक तब भी उतना ही जाकर बैठ जाएगा, उससे अच्छा है कि आप एक डायसन का वैक्यूम क्लीनर ले लीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती इतना अमाउंट, एंड एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मशीन में, एंड 2 साल तक आप इजीली यूज कर सकते हैं, खराब होती है तो आपको प्रॉपर आपको नई मशीन मिल जाए, ऐसा नहीं कि सही होकर मिलती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। एंड मैंने आप लोगों के साथ 1.5 साल में इसलिए रिव्यू किया है, और अच्छा है किया 1.5 साल बाद किया, क्योंकि मुझे ये वाला भी आइडिया हो गया कि आपको सही होकर नहीं मिलती, आपको नई मशीन मिल जाती है, थक गई मैं, नई मशीन मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। एंड मैंने जितने भी आपको इसकी मतलब इसमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, माइनस तो इसमें कुछ है ही नहीं, सारे ही प्लस है, तो मैंने आपको बिल्कुल अपना जेन्युइन रिव्यू दिया है कि हाँ ये मशीन कैसी है, क्या इसके वर्क हैं, कौन कौन से पार्ट्स ये काम मतलब अटैचमेंट का ज़्यादा काम है, किसका नहीं है, और अगर आपको परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, तो आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप जैसे मैंने बताया अगर आपको पॉकेट अलाउ करता है तो आप ये वाले मशीन परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस वेबसाइट पर मिल जाएगी, सबके मैंने लिंक दे दी है। एंड अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।